नमस्कार, अनूपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। नालियां क्षतिग्रस्त होने के कारण गलियों में फैला गंदा पानी, स्कूल जाते समय बच्चों को हो रही है परेशानी। एक साल पहले पाइपलाइन डालते समय टूट गई थी नालियां। अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत दो पीजीएम में बच्चों को पढ़ाने के लिए 12वीं तक का सरकारी स्कूल है, मगर सरकारी स्कूल जाने के लिए मुख्य गली में गंदा पानी कीचड़ फैले होने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि एक साल पहले जलदाय विभाग के द्वारा सड़क के किनारे पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन डाली गई थी और उस दौरान नालियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक साल बीत जाने के बाद भी जलदाय विभाग या ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा इन नालियों को सही नहीं करवाया गया, जिससे यह परेशानी आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कई बार ग्राम पंचायत सरपंच को इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, मगर समाधान नहीं किया। ग्रामीणों ने बताया गांव दो पीजीएम में एक साल पहले पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन डालते समय सरकारी स्कूल के पास स्थित मुख्य गली की नालियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन डालने के बाद नालियों को सही नहीं करवाया गया, जिससे इस मुख्य गली में सड़क पर नालियों का गंदा पानी फैला रहता है। उन्होंने बताया इस गली से काफ़ी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर गंदा पानी फैले होने के कारण उन्हें स्कूल में आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं रात्रि समय में बुजुर्गों का निकलना बेहाल हो जाता है, कई बार कीचड़ में फिसल कर चोटिल भी हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नालियों को सही करवाने को लेकर कई बार ग्राम पंचायत को भी अवगत करवाया जा चुका है, मगर ग्राम पंचायत के द्वारा हर बार टालमटोल की जाती है। ग्रामीणों ने बताया 2 महीने पहले ग्राम पंचायत के द्वारा नालियों को सही करवाने के लिए सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को भी तुड़वा दिया गया था, मगर यह कार्य बीच में ही बंद करवा दिया गया। उन्होंने बताया एक ओर तो नालियां टूटी हुई है और वहीं दूसरी ओर गांव की नालियों की सफाई भी नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क। लगभग रोड बनी तब से। अच्छा अच्छा, रोड बनी तब से, तो स्कूली बच्चे यहीं से निकलते हैं? यहीं से पूरा पूरा गांव का बच्चा और सभी नगरवासी यहीं से गुजरते हैं। तो बूढ़े बुजुर्ग यहाँ से निकलते हैं तो काफी चोटिल भी होंगे, गिरे भी होंगे? कई बार गिरा है, चोटिल होया है। अच्छा, तो इनके बारे में कोई आपने सरपंच को अवगत नहीं करवाया? अवगत सरपंच को भी करवाया हमने, एसडीएम साहब। तो क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, ये कब से समस्या आ रही है? ये 4-5 से लगातार ये समस्या आ रही है। तो ये जैसे ज्यादा बारिश आती है तो काफी घरों में भी दिक्कत आती है, पानी घुस जाता होगा शायद? हाँ, घरों में घुसता है और ये नालियां ओवरफ्लो हो जाती है। तो स्कूली बच्चे इधर से ही गुजरते हैं? हाँ बिल्कुल, स्कूल वाले सभी बच्चे इधर से आते हैं और उनको जाने में परेशानी होती है। जाने में परेशानी होती है, तो इसके बारे में आपने सरपंच को अवगत नहीं करवाया? सरपंच को कहा तो अब उसने पटवाया कि ये सब छोड़ दिया नालियां, दोबारा तैयार ही नहीं की है। अच्छा, दोबारा तैयार नहीं किया है? पाइपलाइन डाली गई है 2 साल पहले। साल हो गए? 2 साल, 1 साल पहले। अच्छा, और वो यहाँ पटके इसको उखाड़ के ऐसी छोड़ दी। अच्छा, उखाड़ के छोड़ दिए। तो जैसे कि बुजुर्ग वगैरह रात को निकलते हैं तो काफी दिक्कत होती होंगी? हाँ, 1-2 बार तो गिर गए यहाँ बुजुर्ग। अच्छा ठीक है, उनके चोट कोनी भाई है ठनाल्या पढ़ाई डी कोनी है क्या नहीं कसी है। तो इनके बारे में जद करा जद के भी ऊंचा करो कोनी है वो भी यही बना दियो। तो बच्चा ने काफी दिक्कत होती है स्कूल वाला ने? दिक्कत के टपिजे ही कोनी, बहुत मुश्किल है। कद चिकड़ में हो जे टाबर टप्पे जद कदी बेग भी पड़ जाए छोटे टाबरांगा। तो इंग खत थे इंग मुश्किल घनी है भाई के करा में। तो सरपंच ने अवगत कोनी करायो के इंग कर इंग बारे में जानकारी? सरपंच ने सरपंच ही कोनी आगे देखा, गोरे ही कोनी ने सरपंच तो बना जदी सरपंच ना गणो ही कयो भी भर्ती बुर्ती कराओ भाई यार। सावळ है जको अठर नीची है जी क्या मतलब है कि नीची है कि जगह? हां अट पहला ही भाई कादो तो यार बना दी तो ही मार तो भी यही समस्या है। काम अब काम पर जावा गरीब आदमी आ सारा नहीं लंगो टप्पो अब अठे नहीं सलवारा पकड़ पकड़ के कादा गमा करी टपनो पड़े। निकासी तो थान दिखणी ला रही, देख ले चारू मेरी ठीक है के खड़े हुए दिक्कत कोनी होएगी सारी है तो के करा कोई जरूरी कोनी कोई लोके को ना सरपंच कोई गौर करे ना कोई बारे काम कोई गौर करे मोटा आदमी भी कोनी गौर करने लाग रहे। तो रात ने जिया बुजुर्ग वगैरह निकले तो बड़ा वांगा मरसी जी कांग पड़सी दूसरा के बन के जोर आवे तो थे सरपंच ने अगवत कोनी करवाया? सरपंच ने कितो कितो जा जा के वा कोई सुनाई कौन करना सरपंच करना कोई और कोई करना।